बच्चों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार के बारे में समझेंगे। आप जानते हैं कि विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मिलने से बनती है और बात की शब्दों के मेल से बनते हैं। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन ये है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द एक अथवा अनेक वर्णों से मिलकर बनते हैं। एक वर्ण से निर्मित शब्द ना या नहीं वा और, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द हिमालय, पुस्तक, छात्र, विद्यालय आदि। भाषा के बिना शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी व्याकरण में नियम निर्धारित है। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। लास्ट नंबर है अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रमुख रूपों में हुई है। इस दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और थर्ड वाला है यौगिक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द विकार अर्थात परिवर्तन, लिंग वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द अर्थात जिनमें परिवर्तन ना हो, लिंग वचन कारक की दृष्टि से जिनमें परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात। भीतर क्रिया विशेषण के बिना संबंध बोधक और समुच्चय बोधक विस्मयाद बोधक ही भी निपात आदि अविकारी शब्द। इनका रूप कभी नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नंबर 2 सार्थक, जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है सार्थक अर्थ के साथ। निरर्थक शब्द भाषा में वैसे तो हर
शब्द का अर्थ होता है किंतु भाषा को रोचक रूप देने के लिए बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे डंडा बंडा, पानी वानी, चाय साय, कॉफी सॉफी, बर्गर वर्गर। इनमें रंगीन छपे शब्द निरर्थक हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों की रचना होती है। सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यावाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द या विलोम शब्द। धन्यवाद बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से जब घर पे बैठ करके रिवीजन करते हैं, कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, तब आपको मन लगाकर देखना चाहिए। थैंक यू।